हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे विच इज द बेस्ट फेदर शटलकॉक इन द मार्केट। तो मैं भाइयों ये सारी टॉप ब्रांड्स को आज टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बेसिकली रेटिंग्स देंगे तीन पार्ट में। पहला तो फ्लाइट पाथ, जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे ड्राइव्स, क्लियर्स एंड स्मैशेस, एंड सेकेंड पॉइंट विल बी ड्यूरेबिलिटी, एंड थर्ड पॉइंट हम लोग रेटिंग देंगे रिगार्डिंग द वैल्यू फॉर प्राइस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज मेरे साथ बेयर करना, बिकॉज मैं कंपैरिजन करूंगा टॉप ब्रांड्स का। सबसे पहले फाइव मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको शटलकॉक खरीदने से पहले देखना चाहिए। फर्स्ट इज द टाइप ऑफ शटलकॉक। एक्चुअली दो टाइप की शटलकॉक होती है, एक होती डक, एक होती गूस फेदर। सो गूस फेदर ज्यादा प्रीमियम होती है, ए प्लस ग्रेड की होती है। सेकेंड इज द फ्लाइट पाथ। तो फ्लाइट पाथ में क्या होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे द ड्राइव्स, द स्मैशेस एंड द क्लियर्स एज वेल। और हम फ्लाइट पार्ट पे देखेंगे कि शटल वॉबल तो नहीं कर रही है, किस तरह से जा रही है, सब कुछ डिस्कस करेंगे भाई लोग। थर्ड इज द स्पीड ऑफ द शटल। बेसिकली इंडिया का जो टेम्परेचर होता है उसमें 75 से 76 की स्पीड की शटल यूज की जाती है, एंड जो कोल्ड वेदर वाली कंट्रीज है उनके लिए 77 से 78 की स्पीड बेस्ट है। फोर्थ मेन एस्पेक्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ऑब्वियसली भाइयों, इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो शटल भी लंबी चलनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस बजट फ्रेंडली है कि नहीं, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। एंड फ्रेंड्स, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शटल कॉक बेस्ट है फॉर ट्रेनिंग्स एंड गेम प्ले। सो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है मेरे को, तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मार देना, एंड कमेंट भी साथ साथ करते रहना भाइयों। फर्स्ट शटल वी विल डिस्कस इज योनेक्स AS2। So this shuttle is basically for intermediate and advanced players. The price of this shuttle is around 2000. This is made with high quality goose feather. So friends, first impression about this shuttle is ki ye proper ekdam consistent pattern hai iska, and it's a kafi ekdam neat kaam kiya hai shuttle banane mein. साथ अब नीचे में यहाँ पे ये देख सकते हो, एकदम right shape में एकदम यहाँ पे stems काटे हुए हैं। So बहुत ही अच्छा काम किया shuttle को बनाने में। So चलो भाइयों, इसकी अब testing करते हैं। की रेटिंग मैं देना चाहूंगा 9.5 out of 10। ड्यूरेबिलिटी के लिए 9.5, बिकॉज ये आप देख सकते हो ये बेसिकली हमने एक गेम खेला था और अभी भी एकदम बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी है इसकी। एंड प्राइस के लिए 9 out of 10। सो नेक्स्ट शटल इज 100F80। सो प्राइस ऑफ दिस शटल इज 2990, एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड करंट 200 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट। सो बाइंग लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। So friends, this is made with high quality goose feather. And first impression of this shuttle is कि एकदम proper एकदम design दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो जितने भी feathers है ना उसके proper एकदम same cuts है, तो बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने 100 वालों ने। और यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो proper एकदम जो stems है वो एकदम exact shape के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो again the quality is very good. इसकी speed है 76. So चलो friends, let's do the testing. फॉर फ्लाइट पाथ 7 out of 10, फॉर ड्यूरेबिलिटी 7.5 out of 10। अभी आप देख सकते हो एक मैच खेला था हमने प्रॉपर यहाँ पे सिंगल्स का, तो मतलब एक एक ही यहाँ पे इससे फेदर निकली हुई है, बाकी सारे इंटैक्ट है। तो ये भी मतलब मेरी गलती से ही हो गया था, हाथ लग गया था, बट इन वे ड्यूरेबिलिटी इज क्वाइट गुड। फॉर प्राइस आई विल गिव 6.5। सो नेक्स्ट शटल इज 100H+100। प्राइस ऑफ दिस शटल इज 3490, एंड इट्स अ स्पीड 76 शटल। This is for intermediate and advanced players. So this is made with high quality goose feather. So friends, इसका जो first impression है ना, no doubt ये बहुत ही अच्छी बनाई है इन्होंने शटल। Proper cylindrical shape है, and पूरे जितने भी feathers मैं देख पा रहा हूँ ना, सारे एकदम clean लग रहे एकदम। And नीचे का भी stems की बात करें यहाँ पे, तो proper एकदम rightly एकदम balance किया हुआ है। So this also looks very good. पाथ के लिए मैं इसको 9 out of 10 देना चाहूंगा। फॉर ड्यूरेबिलिटी 9 out of 10, बिकॉज आप देख सकते हो एक गेम खेली थी हमने एंड लिटरली ऑलमोस्ट सेम है, तो बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी बनाई है यार ये 100 वालों ने। फॉर प्राइस आई विल गिव 7.5। थोड़ा सा प्राइस अगर और अच्छा हो ना तो रेटिंग और बढ़ सकती है इनकी। सो नेक्स्ट इज आर्ची शटलकॉक। सो फ्रेंड्स, इसके ना मेरे को दो स्पीड वर्जन आए थे मेरे पास, 77 एंड 78। तो 77 को मैंने रिव्यू किया है, 78 यार इंडिया में लिए कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा फास्ट थी।
तो मैं आज आपको 77 के बारे में बताऊंगा। प्राइस ऑफ दिस शटल इज अराउंड 25 pounds विच इज 2700 INR। तो काफी मैंने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी जो बोले थे 2000 से अंडर का है, ऐसा नहीं है भाइयों, ये 2700 का शटल है। मे बी वो शायद डिलीवरी कॉस्ट जोड़ना भूल गए होंगे, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है अराउंड 2700। इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड यू कैन यूज माई कूपन कोड करण, उससे क्या होगा आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंड फास्टेस्ट डिलीवरी मिलेगी भाई लोग। सो दिस शटल इज फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस प्लेयर्स एज वेल, मेड विद हाई क्वालिटी गूस फेदर एंड फ्रेंड फर्स्ट इंप्रेशन देखे ना तो काफी नीट काम किया इन्होंने, काफी कंसिस्टेंट पैटर्न है देखा जाए तो प्रॉपर एकदम व्हाइट कलर है। प्लस यहाँ पे अगर नीचे में देखते हैं तो इधर में भी एकदम क्लीन है, एकदम क्रिस्प काम किया है। एंड अनदर कूल फीचर अबाउट दिस शटल इज इसका जो कॉक है ना, ये 3-layer कॉक है, सो ड्यूरेबिलिटी तो पक्का अच्छी होने वाली है। चलो फ्रेंड इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। फ्लाइट पाथ के लिए मैं इसको 10 out of 10 देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी फ्लाइट पाथ थी इसकी। ड्यूरेबिलिटी के लिए भी 10 out of 10 दूंगा मैं इसको। प्राइस के लिए मैं इसको 9 out of 10 दूंगा एंड इसकी जो क्वालिटी है ना वो यूनेक्स के AS40 एंड AS50 के ऑलमोस्ट बराबर है। सो फ्रेंड्स अगर आप इसके 5 tubes लोगे तो कंपनी आपको ना लोगो भी क्रिएट करके देगी एंड आर्ची क्लब सब्सक्रिप्शन लॉयल्टी ऑफर करती है। अगर 20 tubes लेते हो ना तो 2 महीने के लिए कंपनी आपका वेबसाइट को डिजाइन भी कर देगी एंड डेवलप भी कर देगी। इस पैकेज में कंपनी आपका क्लब जर्सी भी डिजाइन कर देगी। एंड वन लास्ट थिंग भाइयों जो मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी, ये ना जो डब्बा है ना ये रिसाइकल डब्बा है। बेसिकली यहां पे अगर आप कट करोगे ना ये बेसिकली 3 हिस्से में कट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो बन जाएगा आपका पेंसिल होल्डर, एक बन जाएगा आपका टॉवल होल्डर, तीसरा जो कट होगा ना यहां पर वो बन जाएगा आपका मोबाइल फोन एंड आईपैड होल्डर। सच अ कूल थिंग, इससे क्या होता है रिसाइकल हो जाएगा तो यार बहुत ही काम आएगा ये। नेक्स्ट शटल कॉक इज लीनिंग G200। इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 1990 एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड करण 2LN टू गेट एडिशनल डिस्काउंट एंड फास्टेस्ट डिलीवरी। सो दिस इज ऑल्सो फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस प्लेयर्स, दिस इज मेड विद हाई क्वालिटी गूस फेदर, दिस इज अ स्पीड 77 शटल। फ्रेंड्स ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो यहां पे जितने भी फेदर्स है ना मेरे को काफी स्टिफ लग रहे हैं। अब देखते हैं कि इसका कैसा ये परफॉर्म करेंगे अपना टेस्टिंग में। ओवरऑल ना नीचे भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, प्रॉपर एकदम क्रिस्प एंड क्लीन काम किया हुआ है भाई लोग। सो फ्रेंड लेट्स डू द टेस्टिंग। फ्लाइट पाथ के लिए 7 out of 10, ड्यूरेबिलिटी के लिए 6 out of 10 एंड प्राइस के लिए 6 out of 10। सो फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीनिंग A+300। सो प्राइस ऑफ दिस शटल इज 3690 एंड दिस इज अ स्पीड 77 शटल। इंटरमीडिएट एंड एडवांस प्लेयर्स कैन यूज दिस। सो फ्रेंड्स दिस इज मेड विद हाई क्वालिटी गूस फेदर एंड अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो काफी नीट एंड क्लीन काम किया हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर सिलेंड्रिकल शेप है। ये भी थोड़ी सी मेरे को स्टिफ एंड रिजिड लग रही है बट लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करता है कोर्ट में। प्लस यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो एकदम क्लीन है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे भी एकदम क्रिस्प एंड क्लीन काम किया हुआ है तो बहुत ही शानदार होगा भाइयों। सो फ्रेंड्स लेट्स डू द टेस्टिंग। फ्लाइट पाथ 7 out of 10, ड्यूरेबिलिटी के लिए 7.5, प्राइस के लिए 6 out of 10। फ्रेंड्स आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सारी शटल्स के बारे में। तो अब मैं आपको टॉप 2 रिकमेंडेशन दूंगा अकॉर्डिंग टू मी। सो सेकंड रैंकिंग ऑन द लिस्ट इज एनी गेसेस, 100H+100। तो बहुत ही मेरे को अच्छी लगी शटल इसकी, PWF अप्रूव्ड है भाइयों। थोड़ा सा प्राइस अगर और अच्छा हो जाए ना तो यार ये तो एकदम टॉप पे जा सकती है। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज Yonex एंड आर्ची 77। ये दोनों शटल को मैंने नंबर 1 रेटिंग दी है, बहुत ही मजा आया दोनों के साथ खेल के यार। एंड एक और रीजन है कि इसका जो रिसाइकल जो बॉक्स है ना ये मेरे को आइडिया बहुत यूनिक लगा। जनरली क्या होता है हम लोग डब्बे ना कचरे में फेंक देते हैं लेकिन इसको हम लोग कट करके घर में भी रख सकते हैं, जो भी अपना आईपैड पेंसिल टावर वगैरह होल्डर बना सकते हो। फ्रेंड्स वन मोर लास्ट थिंग,
मेरा रिकमेंडेशन है जो बेसिकली गेम प्ले एंड ट्रेनिंग करते हैं वो ये योनेक्स का AS2 भी यूज कर सकते हैं, आर्ची भी यूज कर सकते हैं। एंड एक और शटल है जो कि थोड़ी और सस्ती है, वो है योनेक्स का ACBTR। बेसिकली ये तीनों शटल्स ना आप ड्रिलिंग एंड फीडिंग सबके लिए यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मेहनत लगी यार ये वाली वीडियो बनाने में, तो आई होप आप अब अपना राइट चॉइस डिसाइड कर सकोगे इस वीडियो को देखने के बाद। एंड अगर आपको कुछ लगता है ना कि कोई डाउट है या कुछ, अगर मुझे लग रहा है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है आपको, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। एंड डू लेट मी नो कैसी लगी आपकी भाई की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चाइना का एल्प स्पोर्ट्स वाला अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो ये वाली जो लिंक है ना इसको क्लिक करके देख लो। सो फ्रेंड्स, अ बिग शाउट आउट टू माय बैडमिंटन फैमिली जो कि मेरे को इतना अच्छा अच्छा सजेशन देती है, तभी मैं ये शटल का कंपैरिजन वीडियो आप सबके पास लेके आया। सो दिस इज करण शर्मा फ्रॉम जोधपुर साइनिंग आउट। जय हिंद।